केंद्रीय मंत्री मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार रमेश पोखरियाल ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुक्रवार को विद्यालय भवन का लोकार्पण किया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कासगंज से हमारे संवाददाता पंकज मिश्रा फोन लाइन पर लाइव जुड़ चुके हैं। पंकज मिश्रा जी, विद्यालय का उद्घाटन किसने किया और कौन कौन लोग वहाँ मौजूद रहे? सर, ये कासगंज जनपद जो काफी पिछड़ा हुआ जिला बोला जाता है, इस जिले के लिए यहाँ के सांसद एटा राजवीर सिंह राजू भैया ने काफी प्रयास करके और अमापुर विधायक देवेंद्र प्रताप के संयुक्त प्रयास से यहाँ पर एक जवाहर नवोदय विद्यालय पूरे जनपद के लिए मिला है। इस विद्यालय में 26,83,00,000 रुपए की लागत से इस विद्यालय का निर्माण किया गया है। पंकज, इस विद्यालय से बच्चों का कैसा भविष्य देखा जा सकता है, इस पर क्या कहेंगे आप? जी सर, इस विद्यालय का आज निर्माण के बाद इसका आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली से केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसका आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया है। जी पंकज, वहीं आपने अगर ग्रामीणों से बात की हो तो कासगंज के लोगों का विद्यालय को लेकर क्या कुछ कहना है, इस पर क्या कहेंगे? इस ग्रामीणों का काफी उत्साह है क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ जब यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय का उद्घाटन हुआ है तो पूरे जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को स्कूल में एडमिशन मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में काफी ग्रामीण इलाके से काफी लोग निकल के जाएंगे, लेकिन इसके लिए काफी ग्रामीणों ने इसकी सराहना की है। शुक्रिया पंकज जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।